आस्था। जब मन में कोपलों जैसी फूटती है तो चारों ओर के वातावरण को हरा भरा कर देती है। जब फैलती है इन बादलों की तरह तो पूरी धरती को ढक लेती है। जब हट करती है तो ढूंढ ही लेती है उस परम शक्ति को जिसके आदेश से संचालित होता है इस सृष्टि का चक्र। और जब अपने अलौकिक रूप को साकार करती है तो असीम आनंद और सुख के साथ अपने होने का एहसास दिलाती है। इसी अलौकिकता की झलक नजर आती है मध्य भारत के सोमनाथ कहे जाने वाले भोजेश्वर महादेव मंदिर में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 32 किलोमीटर दूर स्थित भोजपुर से लगती हुई पहाड़ी पर एक विशाल लेकिन अधूरा शिव मंदिर है। यही शिव मंदिर भोजपुर या भोजेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहासकार बताते हैं कि भोजपुर और इस शिव मंदिर का निर्माण परमार वंश के राजा भोज द्वारा किया गया था। रायसेन जिले के गौहरगंज तहसील के अबिदुल्लागंज विकास खंड में स्थित इस शिव मंदिर को 11वीं सदी में परमार वंश के राजा भोज प्रथम ने बनवाया था। कंक्रीट के जंगलों को पीछे छोड़ प्रकृति की हरी भरी गोद में बेतवा नदी के किनारे बना उच्च कोटि की वास्तुकला का ये नमूना राजा भोज के वास्तुविदों के सहयोग से तैयार हुआ था। इस मंदिर की विशेषता इसका विशाल शिवलिंग है जो कि विश्व का एक ही पत्थर से निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग है। संपूर्ण शिवलिंग की लंबाई 5.5 मीटर यानी 18 फीट, व्यास 2.3 मीटर यानी 7.5 फीट और केवल लिंग की लंबाई 3.85 मीटर यानी लगभग 12 फीट है। भोजेश्वर मंदिर का निर्माण अधूरा है। कहा जाता है कि इस मंदिर के अधूरे होने के पीछे एक बड़ा कारण है। किस्से कहानियों की माने तो इस मंदिर को किसी वजह से एक ही रात में बनाया जाना था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुबह होते ही इस मंदिर का निर्माण कार्य रोक दिया गया। उस समय छत के बनाए जाने का कार्य चल रहा था लेकिन सूर्योदय होने के साथ ही मंदिर का निर्माण कार्य रोक दिया गया। तब से ये मंदिर अधूरा ही है। हालांकि पुरातत्व विभाग ऐसी किसी भी घटना की पुष्टि नहीं करता। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण भारत में इस्लाम के आगमन के पहले हुआ था। अतः इस मंदिर के गर्भगृह के ऊपर बनी अधूरी गुंबदाकार छत भारत में ही गुंबद निर्माण के प्रचलन को प्रमाणित करती है। भले ही उनके निर्माण की तकनीक भिन्न हो, कुछ विद्वान इसे भारत में सबसे पहली गुंबदीय छत वाली इमारत भी मानते हैं। इस मंदिर का दरवाजा भी किसी हिंदू इमारत के दरवाजों में सबसे बड़ा है। इस मंदिर की एक और विशेषता इसके 40 फीट ऊंचाई वाले 4 स्तंभ हैं। गर्भगृह की अधूरी बनी छत इन्हीं 4 स्तंभों पर टिकी है। भोजेश्वर मंदिर के विस्तृत चबूतरे पर ही मंदिर के अन्य हिस्सों, मंडप, महामंडप तथा अंतराल बनाने की योजना थी। ऐसा मंदिर के निकट के पत्थरों पर बने मंदिर योजना से संबद्ध नक्शों से पता चलता है। भक्तों की आस्था के इस केंद्र में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का ढंग भी बिल्कुल अनोखा है। शिवलिंग इतना बड़ा है कि उसका अभिषेक धरती पर खड़े होकर नहीं किया जा सकता। अंदर विशालकाय शिवलिंग के कारण इतनी जगह नहीं बचती कि किसी अन्य तरीके से शिवलिंग का पूजन किया जा सके। इसलिए हमेशा से ही इस शिवलिंग का अभिषेक और पूजन इसकी जलहरी पर चढ़कर ही किया जाता है। कुछ सालों पहले तक आम श्रद्धालु भी जलहरी तक जा सकते थे लेकिन अब सिर्फ पुजारी ही दिन में 2 बार जलहरी पर चढ़कर भगवान का अभिषेक और पूजा करते हैं। इस मंदिर को पांडव कालीन भी माना जाता है। कहा जाता है कि पांडवों के अज्ञातवास के दौरान वे भोपाल के नजदीक भीमबेटका में भी कुछ समय के लिए निवासरत थे। इसी समय उन्होंने माता कुंती की पूजा के लिए एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर को बड़े बड़े पत्थरों से स्वयं महाबली भीम ने तैयार किया था ताकि पास ही बहने वाली बेतवा नदी में स्नान के बाद माता कुंती भगवान शिव की उपासना कर सकें।
कहा जाता है कि कालांतर में यही विशाल शिवलिंग वाला मंदिर राजा भोज के समय विकसित होकर भोजेश्वर महादेव मंदिर कहलाया। भोजेश्वर मंदिर के पीछे के भाग में एक ढलान है जिसका उपयोग निर्माणाधीन मंदिर के समय विशाल पत्थरों को ढोने के लिए किया गया था। पूरे विश्व में कहीं भी अवयवों को संरचना के ऊपर तक पहुंचाने के लिए ऐसी प्राचीन भव्य निर्माण तकनीक उपलब्ध नहीं है। ये एक प्रमाण के तौर पर है जिससे ये रहस्य खुल जाता है कि आखिर कैसे कई टन भार वाले विशाल पत्थरों को मंदिर के शीर्ष तक पहुंचाया गया। इस प्रसिद्ध स्थल में वर्ष में दो बार वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है जो मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि पर्व के समय होता है। इस धार्मिक उत्सव में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचते हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ 3 दिवसीय भोजपुर महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। भोजपुर शिव मंदिर के बिल्कुल सामने पश्चिमी दिशा में एक गुफा है जो पार्वती गुफा के नाम से जानी जाती है। इस गुफा में पुरातात्विक महत्व की अनेक मूर्तियां हैं। इसी मंदिर परिसर में आचार्य माटुंगा का समाधि स्थल भी है जिन्होंने भक्तांबर स्रोत लिखा था। सदियों से ये मंदिर इसी तरह आस्था का केंद्र बना हुआ है। अपनी भव्य विशाल संरचना और ऐतिहासिक महत्व के कारण पुरातत्व विभाग के संरक्षण में आने के बाद इसके मूल स्वरूप में इसे लाने के प्रयास भी जारी हैं। भले ही वक्त की मार ने इसके भौतिक स्वरूप में कुछ बदलाव किए हों, भले ही मनुष्यों की बदलती प्रवृत्तियों ने इसे चोट पहुंचाई हो, लेकिन जिस शक्ति को आधार मानकर इस मंदिर की स्थापना की गई होगी उसकी अलौकिकता की झलक आज भी यहां दिखाई देती है।